अगर आप मेरी YouTube शॉर्ट्स देखते हो तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक YouTube शॉर्ट्स बनाई थी जहां पे मैं कन्वीनियंस स्टोर में गया था और वहां पे ना मैंने एक चिली पटेटो बर्गर लिया था और मैंने बबल मैंगो आइस टी ली थी। चिली पटेटो बर्गर वॉज ओके, मतलब मेरा वहां पे कट गया था, बट मैंगो आइस टी वॉज यार ये मैंगो आइस टी का फ्लेवर क्या यम आ रहा है, वो बढ़िया थी भाई। और यार वो कन्वीनियंस स्टोर ना मुझे बड़ा कूल सा लगा, वहां पे ना बहुत सारे खाने पीने की चीजें थी, आई मीन पूरा वो 24/7 वाला सीन था। एंड आज का सीन ये है कि मैं आज पूरा दिन सिर्फ वहीं का खाना खाने वाला हूँ। वैसे आइडिया मस्त है ना, आई नो, बट एक सीन है यार, मेरे पास ना 1000 रुपये का बजट है, अगर मैं बजट नहीं बनाऊंगा ना तो यार मैं उनका पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दूंगा। और तुम वो सब छोड़ो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं जा रहा हूँ स्टोर पे एंड लेट्स गेट सम फूड। गाइज आई एम बैक, और मैं आपको सही बता रहा हूँ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड खैर गर्मी का तो कुछ कर नहीं सकते, बट भाई ये कन्वीनियंस स्टोर बड़ा अमेजिंग सा है। आई मीन मतलब मैं ना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, खाने की अगर मैं बात करूँ तो 4-5 तरीके के मोमोज हैं यहाँ पे, मैगियाँ हैं, कुलचे और बर्गर, सैंडविचेस, बिरयानी, मतलब और पता है बेस्ट पार्ट क्या, कन्वीनियंस स्टोर के अंदर ये कैफ़े भी है, तो सही हिसाब किताब है। एंड मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ मैंने अपने 1000 रुपये आज क्या क्या चीज़ों में लगाए हैं। सो आई हैव गॉट द सॉसी चिकन रैप फ्रूट ड्रिंक, द कीमा कुलचा, अमूल लस्सी, द चिकन सलामी सैंडविच, कोरियन स्टाइल रेमन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रेकफास्ट कुकी। गाइस ब्रेकफास्ट में ना मैंने ऑर्डर किया है इनका सॉसी चिकन रैप, और यार ये एक मैं ड्रिंक लेके आया हूँ, ये कोई सैंटे की फ्रूट ड्रिंक है विच इज वाइल्ड क्रैनबेरी फ्लेवर विद समथिंग समथिंग विद द गुडनेस ऑफ मॉल्ट है, मॉल्ट, ओह ओके। यार ये सीन है इनके सॉसी चिकन रैप का, एंड मतलब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया, टॉर्टिया के अंदर खूब सारा चिकन डाला है और इसके अंदर इन्होंने सॉसेस तो डाली होंगी, मतलब जब वो बना रहे तो मैंने देख लिया था, कोई मेरे को लग रहा है तंदूरी मेयो डाली है, मिंट चटनी डाली थी और वाइट मेयो डाली थी, एंड साथ में अंदर वेजीज हैं, और इसको इन्होंने बढ़िया से सेक के मुझे दे दिया है। और यार इसका प्राइस है 250 रुपये। ओके टेस्ट करके देखते हैं इसे। ओह दिस इज गुड, चिकन जो इन्होंने इसमें यूज किया है ना दैट इज वेरी सॉफ्ट, मुझे लग रहा है एकदम इन्होंने फ्रेश तंदूर से, वो चिकन टिक्का होता है ना, तंदूर से फ्रेश टिक्के को वो गरम करके और फिर काट के इसके अंदर डाला है। यार जब मैंने शॉर्ट्स बनाई थी ना वो चिली पटेटो बर्गर की, उन्होंने ना बर्गर के अंदर सॉसेस को बहुत ओवरडू कर दिया था, बट दिस इज नॉट द केस विद द रैप। रैप यार इन्होंने बढ़िया सा बना के दिया है मुझे, एंड मतलब सब कुछ बैलेंस्ड है, मुझे अच्छा लगा, बस 250 रुपये का है, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, ये अगर 150 का होता तो चल जाता। ओह यह यार इसकी जो साउंड होती है ना ये कैन को क्रैक करने की, भाई मुझे बड़ी पसंद है, इट ऑलमोस्ट टेस्ट लाइक फ्रूट बियर। यार वो जो मैं कैसे समझाऊं आपको, आई मीन अगर आपने कभी बियर ट्राई की है ना तो जैसे आप बियर का सिप लेते हो तो वो एक वो पंच आता है, कुछ वैसा पंच इसमें आ रहा है, बट फ्लेवर क्योंकि क्रैनबेरी है तो इसलिए दिस इज लिटिल स्मूथ, वरना तो भाई कड़वी थी ये। यार बहुत गर्मी हो रही है, इसको मैं घर जाते जाते रैपअप करूंगा, ठीक है घर चलते हैं फिर बाकी का सामान फोड़ते हैं। यार व्हाट काइंड ऑफ कन्वीनियंस स्टोर सर्व्स अमृतसरी कुलचेज, मतलब इनके पास ना अमृतसरी कुलचे की भी 5-6 वेराइटीज थी, ये वाला स्पेसिफिकली पता है कौन सा है, दिस इज द कीमा कुलचा। एंड वैसे मैंने ओरिजिनली पिज्जा अमृतसरी कुलचा ऑर्डर किया था, वो यार आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिर इन्होंने जो मुझे ऑप्शंस दिए मैंने उसमें से मुझे कीमा कुलचा बढ़िया लगा और मैंने वो ऑर्डर कर दिया। वैसे यार मैंने ना बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, वो जो 7-Eleven स्टोर्स होते हैं ना अब्रॉड में सिंगापुर वगैरह में, यार मतलब उनके पास भी खाने की इतनी सारी वेराइटीज होती हैं, वो कन्वीनियंस स्टोर कम है, अपने आप में रेस्टोरेंट ज्यादा है, एंड दे आर ह्यूज। आई रियली विश भाई अब दिल्ली में भी ऐसे स्टोर्स खुलने शुरू हो जाए। एनीवे इन्होंने ना साथ में मुझे बटर दिया है एंड दी खट्टी मीठी वाली चटनी, वो यार जो अमृतसरी कुलचे के साथ मिलती है, ऑल्सो सम छोले, यार क्या कॉम्बो है, कीमा कुलचे के साथ छोले मिल रहे हैं, वाह। ऑल्सो आई गॉट लस्सी, भाई इट मेक सेंस, मतलब इसके साथ तो यार ये चलती है ना। तो भाई शुरू करें फिर अपने
कीमा कुलचा से, ओ यार ये तो मस्त वाले क्रिस्प हो रखे हैं। चेक आउट द फिलिंग, ये अंधेरा ज्यादा है आई नो, बट बढ़िया से भाई अंदर कीमा इन्होंने भर के दिया है मुझे। ओह नॉट बैड यार, ये बढ़िया सी बाइट बनी है। इसके अंदर बटर भी है, इसके अंदर छोले भी हैं, और इसके अंदर वो इमली वाली चटनी भी है। ओह मैं आपको बता रहा हूँ, 240 रुपए का है, पैसे पूरे कर रहे हैं अपने यार। मतलब अगर आप अमृतसरी कुलचा छाछ के बिना खा रहे हो ना, तो भाई ये आपको बैन होना चाहिए सच में। सच बता रहा हूँ यार, मेरा ना अभी सिर्फ 50% वेट भरा है। I mean, छोले बचे हुए हैं, अगर ये एक कुलचा और मुझे दे देना, ओहो मजे आ जाते यार। इनके पास ना वो एक बढ़िया सा सलामी सैंडविच भी था, खाना चाहोगे? Well, भाई इनका ये चिकन सलामी सैंडविच तो बड़ा लोडेड सा लग रहा है। मेरे को सच में लगा था कि अंदर बस इन्होंने सलामी डाले होंगे और तो मे बी चीज डाल दिया होगा, बट देयर इज समथिंग एल्स इनसाइड इट। ओके, कोई बढ़िया सी भाई फिलिंग डाली हुई है, मुझे नहीं पता यार इसके अंदर क्या है, टेस्ट करके पता चलेगा। ओके लेट्स टेक अ बाइट, बढ़िया लग रहा है। भाई ये वाला ना सैंडविच का फ्लेवर मैंने पहले भी कहीं खाया, और पता है एग्जैक्टली मैंने कहाँ खाया है, मेरे ऑफिस में। यार मेरे ऑफिस में भी सेम सैंडविच मिलते हैं, उसकी फिलिंग भी ऑरेंज होती है और उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी वेजीज वो डालते हैं, बट ऑफकोर्स वो चिकन सलामी तो नहीं होता। एंड मुझे ना इतना चिकन सलामी का पता चल भी नहीं रहा फ्लेवर में यार, वो मसाले वाली सलामी डालते थे इसके अंदर तो और मज़ा आ जाता। गाइस लास्ट बाइट डन। यार वैसे ना मुझे लगा नहीं कि सैंडविच इन्होंने पुराना बना के फ्रिज में रखा हुआ था। आई थिंक दिस इज ओके, लाइक 3/5 वाला सीन है इसका। अब यार मैं जा रहा हूँ डिनर करने, एंड फॉर डिनर आई हैव बस इसको ओवरफ्लो मत करना यार गर्म पानी के साथ। यार नूडल्स को बनने में अभी 4-5 मिनट लगेंगे और मुझे ना कुछ सही सी वाइब आ नहीं रही, आई डोंट नो, अजीब सी भाई मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है, एंड पता नहीं क्यों द पाउडर वाज सो ब्लैक। खैर जब तक वो नूडल्स बन रही है तब तक आई हैव दिस। यार ये है कोई कुकी है मैक्स प्रोटीन की, मुझे नहीं पता है मैंने क्यों रखी, बस इसके ऊपर प्रोटीन लिखा था और मैंने उठा ली। वो वैसे दिस इज अ 7-ग्रेन ब्रेकफास्ट कुकी जो कि मैं डिनर में खा रहा हूँ। भाई मेरी दुनिया ही उल्टी चलती है ना। ओह नाइस, अलग ही सीन है यार मेरा, एक तरफ मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ और एक तरफ वो रेमन पक रही है मेरी। भाई हालात इस नूडल्स के मुझे ठीक नहीं लग रहे। I mean, why is this noodle so black? ऐसा लग रहा है भाई इसके अंदर सिर्फ सोया सॉस डाली है और कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो यार ये कौन सा फ्लेवर है, एक तो बाहर चाइनीज कोरियन में पता नहीं क्या क्या लिखा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आई डोंट नो भाई, मुझे फील तो अच्छी नहीं आ रही, बट ऑफकोर्स टेस्ट तो करना है ना। यार ये नूडल्स कड़वी है। हाँ ये नूडल्स कड़वी है। तो मैं ये कह रहा था आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई रियली होप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। एंड अगर आपको ये जानना है कि मैं नूडल्स ख़त्म करने वाला हूँ तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, भाई मैं ये नहीं खा पाऊंगा। I mean, इट्स नॉट दैट बैड, बट मैं नहीं खा सकता यार इसको, मैं ये कोई और खाएगा मेरे घर में। मैं जा रहा हूँ, मैं चैलेंज खाता हूँ, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ। ओके बाय, टाटा सी यू।